नमस्ते फ्रेंड, आप सभी को स्टार प्रॉपर्टी शेफ चैनल में स्वागतम। आज लेके आया हूँ न्यू रेसिपी, इजी बोटी मसाला फ्राई घर में बनाने वाला। सो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक देखिए ताकि आप बना पाएंगे इस तरह का बोटी मसाला फ्राई। बहुत ही इजी रेसिपी आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस तरह बना सके। बहुत ही इजी रेसिपी है। बोटी को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया हूँ ताकि जो हम लोग बोटी मसाला फ्राई बनाने के लिए इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया हूँ। अभी क्या है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्मॉल साइज काट देता हूँ। अभी काटने के बाद मैं क्या है ना दोस्तों, इसको बॉईल कर देता हूँ 25 मिनट्स। आप चाहे तो कुकर भी यूज कर सकते हैं। अभी 5 सीटी इसको बोलते हैं सामग्री। जो हम लोग बोटी मसाला फ्राई जो बनाएंगे, तो हम लोग जो बोटी मसाला फ्राई बनाएंगे उसके लिए सामग्री ले लिया। सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन ले लिया, उसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से 40 ग्राम्स नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल देता हूँ। देख लीजिए, इस तरह से कुकिंग ऑयल डाल दिया हूँ। हमारा जो ऑयल है गरम हो गया। अभी क्या है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होल गरम मसाला डाल देता हूँ। होल गरम मसाले में 2 पीस हमारा बेलिप्स है, 3 पीस सिनेमा मिस्टिक, 2 पीस ग्लोव्स और 3 पीस हमारा ग्रीन कार्डमम, इतना सा गरम मसाला यूज़ किया हूँ। तो हमारा गरम मसाले को अच्छी तरीके से फ्राई कर दे रहा हूँ। देख लीजिए, ये हमारा गरम मसाला ऑयल में फ्राई कर दे रहा हूँ ताकि हमारा जो गरम मसाला प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाए। उसके बाद मैं ऐड कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ओनियन चॉप मीडियम साइज का 2 पीस और 1 पीस ग्रीन चिली स्लाइस ऐड कर देता हूँ। इस तरह ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर देता हूँ ताकि जो हमारा ओनियन है सौते कर सके। देख लीजिए, इस तरह से सते कर दिया। 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया हूँ। जिंजर गार्लिक सते कर देता हूँ ताकि हमारा जिंजर गार्लिक सते होने के बाद में हमको मसाला डालना है। देख लीजिए, इस तरह से एक स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया हूँ। 1 स्पून हमारा गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया हूँ। 2 स्पून हमारा जो जीरा पाउडर ऐड कर दिया हूँ। 1 स्पून हमारा धनिया पाउडर ऐड कर दिया हूँ। 2 स्पून हमारा जो डेंगी मिर्च कलर वाली मिर्च ऐड कर दिया हूँ। 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया हूँ और 2 स्पून हमारा चिली पाउडर स्पाइसी वाला, उसको भी ऐड कर दिया। इस तरह से मिक्स कर देता हूँ ताकि जो हमारा मसाला भुनी हो जाए, ताकि हमारा जो मसाला है ओनियन के साथ में और जिंजर गार्लिक के साथ में मिक्स हो जाए और प्रॉपर तरीके से मसाला कुक हो जाए। उसके बाद में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं नॉर्मल वाटर, उसको ऐड कर दिया हूँ ताकि जो नॉर्मल वाटर डाल के मसाला को पका देना है ताकि जो हमारा मसाला प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए। देख लीजिए, इस तरह से मसाला कुक होएगा तो आपको रोगन छोड़ देगा और अच्छा सा एक खुशबू छोड़ेगा। उसके बाद मैं क्या है ना दोस्तों, मीडियम साइज का 2 पीस हमारा जो टमाटो चॉप ऐड कर दिया हूँ ताकि इस तरह से, देख लीजिए, टमाटो ऐड करने के बाद मैं मिक्स कर देता हूँ ताकि जो टमाटर को कुक कर देना प्रॉपर तरीके से। 1 स्पून सॉल्ट टू टेस्ट इस तरह से डाल देता हूँ। सॉल्ट डाल के अच्छी तरह से फिर मिक्स कर देता हूँ। और ये जो है हमारा जो बोटी, इसको बॉईल करके रखे थे इस तरह से, तो ऐड कर देता हूँ। देख लीजिए, 300 ग्राम बोटी है, ऐड कर दिया। अब इसको भी क्या है ना मिक्स कर देता हूँ। देख लीजिए, इस तरह से मिक्स कर दिया हूँ ताकि जो हमारा बोटी प्रॉपर तरीके से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। देख, आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, इस तरह से मिक्स हो गया। अभी क्या है ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा नॉर्मल 1 कप वाटर इसको ऐड करके इसको बॉईल कर देता हूँ और इसको मिक्स करना है, क्यों नीचे लगना नहीं चाहिए। हमारा नीचे जो है फ्लेम ऑन है। देख लीजिए, इस तरह से हमारा बोटी जो है थोड़ा बॉईल हो गया है 2 मिनट में। तो अभी क्या है ना दोस्तों, इसको 15 मिनट के लिए इसको कवर डाल के स्लो फ्लेम में कुक करना है। देख लीजिए, हो गया हमारा स्लो फ्लेम। इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। बीच बीच में रहना है, तो बीच बीच में एक बार मिक्स करना है। देख लीजिए, हमारा जो बोटी मसाला जो फ्राई है, देख लीजिए, इस तरह से प्रॉपर तरीके से कुक हो गया। अभी क्या है ना दोस्तों, उसको ऊपर में थोड़ा सा कोरिंडर लीव्स 10 ग्राम, इसको बोलते हैं 10 ग्राम्स ऐड कर दिया हूँ। 1 पीस स्लाइस लेमन उसको ऐड करता हूँ ताकि जो बोटी मसाला जो फ्राई है स्पाइसी सॉरनेस होता है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। देख लीजिए, अभी क्या है ना दोस्तों, इसको एक थोड़ा सा एक मटका ले लिया हूँ,
उसमें निकाल देता हूँ ताकि जो हम लोग आपको गार्निश करके आपको दिखा सकूँ। देख लीजिए, हम इस तरह से निकाल देता हूँ दोस्तों। इस तरह से कम आइटम में आपके लिए बनाया हूँ। देख लीजिए, ये हमारा रेडी हो गया। अभी क्या है ना दोस्तों, इसको गार्निश में थोड़ा सा धनिया चॉप, जिसको बोलते हैं कोरिएंडर लीव्स, ऐड कर दिया हूँ। अभी क्या है ना, आपको दिखा रहा था कितना देखने में कितना खूबसूरत दिखता है, हो गया ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।